जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जो कि आप शादियों पे होटल वगैरह में खाते हैं। उसकी रेसिपी देखें कितनी सिंपल और इतनी आसान है। ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो आप शादियों और होटल वगैरह में खाते हैं, उसकी रेसिपी बनाने लगे हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। ये देखें, जिसके लिए आपको चाहिए 2 kg मैंने चिकन लिया है। चिकन के आपने बड़े बड़े पीस लिए हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। चिकन टिक्का मसाला लेंगे हम 4 to 5 tablespoons, नमक 1.5 tablespoons, लाल मिर्च 1 tablespoon, ये सौंफ है ये आप देख सकते हैं, इसको हमने पोटली बना लेनी है इसकी। ये दही लेंगे हम, ये देखें 1 bowl के करीब, और पानी जितना आपको चाहिए हस्ब ज़रूरत, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कलर्ड सौंफ नहीं है, इसकी रॉ फॉर्म है। आप किसी भी मलमल के कपड़े में सौंफ को, जो 2 से 3 tablespoons सौंफ है, इसमें डाल के आपने इसकी पोटली बना देनी है इस तरह से, ये देखें पोटली बनाने का मकसद है कि सौंफ का सिर्फ उसमें असर निकलेगा जब हम चिकन को बॉईल करेंगे, और इसका अरोमा चाहिए हमें, हमें इसका डीप वाला जो टेस्ट है वो नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा हार्श टेस्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं जी। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम किसी भी देगची में चिकन डालेंगे, जो दही था 1 bowl के करीब ये डालेंगे, नमक 1.5 tablespoon, लाल मिर्च 1 tablespoon, नेशनल का चिकन टिक्का मसाला लिया है हमने, ये 4 to 5 tablespoons, पानी हम इतना डालेंगे कि चिकन अच्छे से जो है बॉयल होने के लिए इसमें डूब जाए। और ये जो हमने पोटली बनाई थी सौंफ की, ये देखें ये इसमें ऐड करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है, हमने सब चीज़ों को ये देखें मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक के हमने तब तक इसको चिकन को बॉईल करना है जब तक चिकन जो है वो गल नहीं जाता, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। देखें जी, ये बॉईल हो चुका है, 1 by 1 हम इसको निकाल रहे हैं। बाकी जो लेफ़्ट ओवर जो भी मटेरियल है, पानी है, इसको आपने फेंक देना है। जी आप देख सकते हैं चिकन बॉईल होने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक बनी है। अब हम बैटर बनाने लगे हैं, जिसमें डिप करने के बाद हमें चिकन को फ्राई करना है। हमें चाहिए 1 cup मैदा, 1/2 cup हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1 teaspoon, नमक और काली मिर्च हंस पे जायका, और पानी चाहिए बैटर को मिक्स करने के लिए। जी अब इसका बैटर बना लेते हैं। ज़्यादा थिक और ज़्यादा थिन आपने बैटर नहीं बनाना है, इसको मीडियम सी शेप दे लेनी है अच्छे से मिक्स करने के बाद। जी आप देखें बैटर जो है वो मिक्स हो चुका है, ये देखें इतना, देखें जी ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, मीडियम से इसकी लुक बनाई है, ठीक है।
आपको बताते हैं आपने इसको फ्राई कैसे करना है। जी, घी गरम हो चुका है। अब हम चिकन पीसेस को वन बाय वन इस बैटर में डिप करेंगे। जी, अच्छे से डिप करने के बाद घी डालते जाना है आपने इसको। इसी तरह से आपने सारे चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आप देखें ऐसा गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इन सबको आप गरम गरम नान या पराठे के साथ रायते के साथ पेश करें। आपको डिशअप करके इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो ये है इनके फाइनल लुक। एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना मत भूलें। जी, तो ये है इनकी फाइनल लुक। एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना मत भूलें। देखें जी, कितने जूसी जूसी और क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं।